एक और नया दिन और एक और नया बग, ये एग्जैक्टली फिट होता है बीजामे के अंदर। लिटरली कल एक ऐसा प्रॉब्लम आ गया था बीजामे के अंदर जिससे आप अपने फ्रेंड के साथ ही नहीं खेल पा रहे थे गेम को। आपको या तो सोलो खेलना पड़ रहा था या तो आपको रैंडम के साथ खेलना पड़ रहा था, बट आप अपने कोई भी फ्रेंड के साथ कोई भी मेथड से लाइक आप कोड डाल के भी चेयर पार्क या टीम अप चेक करने चाह रहे थे तो वो पॉसिबल नहीं था। हालांकि वो चीज़ को वो लोग 2-3 घंटे फिक्स कर दिए, बट डेली का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है। अभी तक सबसे मेन जो प्रॉब्लम है वो अभी तक फिक्स नहीं हुआ, वो एक क्लैन बैटल। अब काफ़ी लोग सोच रहे हैं क्लैन बैटल से क्या ही फ़र्क पड़ता है, तो मैं बताना चाह रहा हूँ क्लैन बैटल में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर आप क्लैन बैटल खेलते हो और अगर आपका टीम जीत जाता है तो सबसे अच्छा बात है कि आपको ये 50 एजी करेंसी मिलता है, क्लासिक स्क्रैप 3 मिलता है, और ये छोटा अमाउंट दिख रहा है बट डेली बेस में अगर ये चीज़ आपको मिलते जाएगा ना तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल होता है, जो कि हम लोग को पिछले 4 दिन से मिल ही नहीं रहा था, और आज भी तो ठीक नहीं हुआ तो आज भी नहीं मिल रहा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये छोटा छोटा चीज़ ही होता है बट हम लोग के रिसोर्सेज ऐड करने में काफ़ी फायदा देता है, बट वो चीज़ अभी पॉसिबल नहीं हो रहा जब आप इजीली जीत सकते हो। ठीक है, एक चीज़ तो कन्फर्म है कि जब तक वो प्रॉब्लम डेवलपर के नज़र में बड़ा ना हो तब तक वो जल्दी फिक्स नहीं होगा, क्योंकि इन्वाइट वाला जो प्रॉब्लम था वो बहुत बड़ा इशू था क्योंकि ज़्यादातर लोग नहीं खेल पा रहे थे, इसके चलते वो तुरंत से फिक्स कर दिया। बट क्लैन बैटल जो आप देख पा रहे हो वो भाई काफ़ी लोग खेलते हैं, काफ़ी लोग ध्यान नहीं देते, तो इसके चलते वो लोग उसको उतना ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, खैर हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते वेट के सिवा, तो उसको साइड रखते हैं और अभी हम लोग बात करते हैं न्यू एक्सूट के बारे में। गाइस आप सबको पता है कि कल हमने एक्सूट स्पिन किए और मेरा जो पूरा एक्सूट स्पिन था वो कम्प्लीटली ट्रिक बेसिस में था, मतलब वाउचर्स यूज कर करके मैं केवल स्पिन किया, ज़्यादा हम लोग यूसी इन्वेस्ट नहीं किया। 590 यूसी केवल कल गया था, 590 भी ज़्यादा हो गया था क्योंकि गलती से 50 यूसी ज़्यादा लगा दिया था। बोल सकते 540 यूसी में मेरा काम बन जाता बट मैं ज़्यादा गलती से 50,000 ज़्यादा लगा दिया, तो वो जो स्पिन था वो एक ट्रिक बेसिस था। बट आज जो मैं स्पिन दिखाने वाला हूँ वो एक वीडियो में पूरा एक्सूट निकालना और उसको पूरा लेवल 4 करना वो मैं दिखाऊंगा, और मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों अभी एक्सूट मिलना काफ़ी ईजी हो गया क्योंकि मेन स्ट्रगल कहाँ आता है। ठीक है, और उसके साथ साथ काफ़ी लोगों के दिमाग में आता है कि अगर मैं कोई प्रीमियम लेवल के कुछ चीज़ें लूँ वो क्या हम लोग एक अपग्रेडेबल गन लें या एक्सूट लें या अल्टीमेट सेट लें, उसके बारे में एक क्लियर आइडिया मैं देने वाला हूँ। सो डेट अगर कोई बंदा सोच ही रहे है कि क्या चीज़ में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे मुझे ज़्यादा वैल्यू मिले, तो वो चीज़ मैं आज आपको ये वीडियो में बताने वाला। ठीक है, अभी जो मैं आपको स्पिन दिखाने वाला ये मेरा फ्रेंड का आईडी है और पहले तो वो कुछ स्पिन कर लिया था जिसमें उसको MG3 मिल चुका था, उसके बाद उसको एक्सूट काफ़ी पसंद आया था, उसने बोला कि चलो एक्सूट निकाल लेते और उसको अपग्रेड करते हैं। देखो निकालना बड़ा कंसर्न नहीं था, अब मेन प्रॉब्लम आता है अपग्रेडेड में। ठीक है, चलो अभी हम लोग स्पिन करते हैं, फास्ट फॉरवर्ड में दिखाऊंगा। देखो 48 स्पिन वो पहले ही कर लिया था MG3 निकालने के लिए क्योंकि पहले उसको MG3 चाहिए था, बट जैसे मुझे दिया तो फर्स्ट ओपनिंग में ही देखो क्या मिलने वाला है, जस्ट मेरा फर्स्ट ओपनिंग जो होने वाला है उसके अकाउंट में देखो क्या मिलने वाला है। इधर आप देख पा हम लोग ओपन कर चुके और जैसे कि आप देख पा रहे उसका कलर ब्राइट हो चुका है, तो कुछ अच्छा तो मिलने ही वाला है। तो एग्जैक्टली फर्स्ट चीज़ में आप देख पा हम लोग एक्सूट मिल चुका है, ये काफ़ी अमेजिंग चीज़ है, हम लोग सरप्राइज हो गया था। पहला ही स्पिन मैं जो किया था उसमें मुझे एक्सूट मिल गया था, कल का दिन लिटरली काफ़ी नेक्स्ट लेवल लगता है। उसके साथ साथ आप देख पा रहे काफ़ी सारा हम लोग की चीज़ और भी मिला, एक मेन मटेरियल मिला पहला ही स्पिन में, हम लोग तो लिटरली काफ़ी खुश था कि चलो एक्सूट मिल गया था, हम लोग 1000 कॉइन मिल गया, बट जो मेन स्ट्रगल होगा ना वो लास्ट में आप देख रहे कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो चलो नेक्स्ट 10 ओपन करने वाले, इसमें केवल 10-10 ही ओपन करने वाला, इसमें सोलो ओपनिंग नहीं होने वाला। कल का वीडियो में हम लोग सोलो ओपनिंग में ट्रिक देखे थे और मैं क्यों बोलता है कि ट्रिक यूज़ करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इधर आप देख पा रहे हम लोग ओपन करने वाले और इधर आप देख पा रहे सेकेंड मतलब में हम लोग ओपन किए थे, इसमें हम लोग कुछ खास नहीं मिला, पॉइंट हम लोग को मिला आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट 10 खोलने वाले। ठीक है, अभी और 10 खोलेंगे, देखते हैं इस बार क्या मिलने वाला हम लोग को। तो इस बार हम लोग को मिलने वाला है कुछ खास नहीं क्योंकि इसमें साइन नहीं किया, तो दो बार मोल्टा हम लोग को मिल चुका है और इधर आप देखो 2 मिनी मटेरियल भी हम लोग को मिल चुका है, हम लोग को ऑलरेडी 78 स्पिन हो चुका है। ठीक है, और 10 ओपन करने वाले हैं और देखते क्या मिलता है। तो इधर आप देख पा रहे नेक्स्ट 10 हम लोग ओपन करने वाले हैं, देखते वापस से क्या मिलने वाला है। तो इस बार भी कुछ खास नहीं मिलेगा क्योंकि ये साइन नहीं किया जैसे कि आप देख पा रहे हो, और इस बार वापस से उनको पेंट मिला, एक मचेटी मिला, क्रोबार बोल सकते हो, 2x मिला, जो कि MG3 आपको मिल गया होगा तभी जाके बेनिफिट होगा, नहीं तो कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, वापस 10 स्पिन में करते हैं और इधर आप देख पा रहे देखते इस बार क्या मिलता है। तो इस बार तो भाई हम लोग का फिर भी साइन नहीं किया, तो इस बार भी कुछ खास नहीं मिलने वाला। तो इधर आप देख पा रहे हो कि हम लोग वापस 3x मिला और मॉल्टा आपका मिला, और कुछ कुछ स्पिन में आपको 10x बोनस भी मिल सकता है जो कि 40 आपको करके देगा, और कुछ कुछ में आपको डबल भी मिल सकता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी तो हम लोग का एक्सूट हो चुका है, तो अभी तो मेन चीज़ है हम लोग का मटेरियल निकालना, और अभी आता है रियल स्ट्रगल स्टार्ट। एक्सूट भाई अभी सब बंदे निकाल लेंगे, कोई बड़ा बात नहीं है, इसलिए आपको एक्सूट काफ़ी इजीली मिल जाता है, बट जो मेन प्रॉब्लम आता है ना अभी एक्सूट अपग्रेड करना, इसी चलते मुझे अभी भी लगता है कि भाई अपग्रेडेबल गन ज़्यादा वैल्यूएबल होता है ये चीज़ में। तो इधर आप देख पर इस बार हम लोग का साइन किया है,
तो इस बार हम लोग को एक मिथिक आउटफिट मिल चुका है, फैलन स्पिरिट सेट, और ये भी आउटफिट मोस्ट प्रोबेबली काफी लोगों को मिल चुका है। इधर आप देखो दो दो बार हम लोग को ग्रेनेड हम लोग को मिल चुका है, ठीक। जैसे ही बताया कि भाई रियल स्ट्रगल आता है एक्सूट को अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि इसका मटेरियल इतना महंगा है ना कि भाई नॉर्मल बंदा इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा इसको अपग्रेड करने के, ठीक है। इधर आप देखो वापस से हम लोग हेलमेट मिला, इधर हम लोग देख पा रहे कि हम लोग को 10x बूस्ट मिला था, 100 पॉइंट हम लोग का हो चुका है, ठीक है। वापस से आप देख पा रहे अभी हम लोग लेवल अपग्रेड करेंगे, तो इधर हम लोग लेवल 2 करने वाले। देखो लेवल 2 लेवल 3 करना बड़ा बात नहीं है, वो तो कोई भी कर लेगा, क्योंकि आप जब स्पिन करते हो तो ये जो मटेरियल वो तो आपको मिल जाता है। इधर आप देख पा रहे लेवल 2 हम लोग कर चुके हैं, लेवल 3 करने के लिए आप देख पा रहे हम लोग को जो स्टार फॉर्ज मटेरियल पिंक वाला वो 5 चाहिए, और उधर आप देख पा रहे हो येल्लो वाला कितना ज़्यादा चाहिए। ये जो लेजेंडरी वाला आइटम है ये तो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो मेन प्रॉब्लम है ना भाई वो येल्लो वाला पत्थर बोल सकते हो, वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है, वो आगे जाके आपको पता चलेगा कि कितना ही उसे उड़ाना पड़े तब जाके आपको लेवल 4 करने का मौका मिला, ठीक है। तो इधर आप देख पर इस बार जो स्पिन था इसमें हम लोग को कुछ स्टोन्स मिल चुका और स्टार फॉर्ज मटेरियल मिल चुका, लेजेंडरी वाला दिक्कत नहीं है, ज़्यादा एपिक वाला प्रॉब्लम है। तो वापस से हम लोग स्पिन कर रहे, इस बार हम लोग का साइन हुआ तो इस बार उम्मीद कर रहे कुछ अच्छा चीज़ मिल जाए। तो इधर आप देख पर हम लोग को काफ़ी सारी चीज़ मिला, और इधर आप देख पर वापस से हम लोग एक्सूट मिला। तो दोबारा से आपको अगर एक्सूट मिलता है ना तो आपको 160 कॉइन ही मिलेगा, क्योंकि आपको एक तो आपको गारंटी रिवॉर्ड में मिलेगा 1000 कॉइन, और एक बार अगर आपको इससे स्पिन में मिलता है तो आपको मिल जाएगा 1000, उसके बाद आपको 160 ही मिलने वाला है। आप उम्मीद मत करना कि 1000 आपको मिलने वाला है, जी नहीं, ऐसे नहीं, बहुत स्मार्ट है भाई गेम वाला, वो लोग क्या किया पॉसिबिलिटी अच्छा कर दी एक्सूट मिलने का, उनको भी पता है कि भाई लेवल 1 का जो एक्सूट है ना उसका लुक नॉर्मल मिथिक वाला आउटफिट जैसे ही लग रहा है, तो इसी चलते वो लोग इसको इजीली कर दिया। इधर आप देखो लोगों को मिथिक इमोट और एक मटेरियल मिल चुका है। देखो ये एक्सूट स्पिन का जो पॉसिबिलिटी है काफ़ी अच्छा कर दिया गया, तो इन केस अगर आप केवल एक्सूट लेना चाहते हो अपने इन्वेंट्री में रखना चाहते हो तो बेटर है कि आप कर सकते हो 10-10 यूसेज का डेली स्पिन का काम डन। इधर आप देखो हम लोग 300 प्रोग्रेस जो है वो डन हो चुका है, और ऑलरेडी हम लोग पास एक्सूट मिल चुका है, इसलिए हम लोग को 1000 कॉइन ही मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे ये तीसरा बार हो चुका है कि हम लोग एक्सूट हो चुका है और हम लोग 1000 कॉइन मिल चुका है। बात ऐसा है ना, हम लोग सोचते हैं कि इतना भी काम डन हो गया और उसके बाद हम लोग लेवल अप कर लेंगे, बट अभी तो शुरुआत है भाई पैसा लगने का। इधर आप देख पा 4 हम लोग ये मटेरियल ले लिए, हम लोग को 124 स्टोन चाहिए था, और ये जो स्टोन है ना येल्लो वाला ये इतना ज़्यादा पेनफुल है ना, क्योंकि इसको लेने के लिए आप देखो कुछ तो वो लोग टाइम लिमिटेड वाला दिया है थोड़ा डिस्काउंटेड रेट में, बट वो भी एक टाइम में जाके ख़त्म हो जाएगा, और उसका एक स्टोन का कॉस्ट है 10 कॉइन, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा होने वाला, ठीक है। तो इधर हम लोग देख पा रहे फटाफट से हम लोग मटेरियल निकाल लेते हैं, 124 निकालने वाले, जैसे आप देख पा रहे हो इधर हम लोग देख पा रहे 124 निकाल लिया, और हम लोग का लेवल 3 के लिए रिसोर्सेज बन चुका है, ठीक है। अब लेवल 3 तो हम लोग कर लेते हैं, बट उसको चाहिए था लेवल 4, क्योंकि लेवल 4 में उसको मिलने वाला है विक्ट्री ब्रॉडकास्ट। अब ये करने के लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल स्टार्ट, क्योंकि इधर आप देख पा रहे हो 7 हम लोग को स्टार फॉर्ज मटेरियल चाहिए, और जो येल्लो वाला स्टोन है वो हम लोग को 230 चाहिए, और अब होता है रियल स्ट्रगल। इधर आप देख पा रहे हो अभी हम लोग 5 तो इधर से निकाल लेते हैं, तो लेजेंडरी वाले स्टार फॉर्ज जो है वो तो हम लोग निकाल लेते हैं, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होता भी नहीं है, बट जो मेन प्रॉब्लम होता है वो जो येल्लो वाला स्टोन आता है। तो इसी टाइम में हम लोग को याद आता है अपग्रेडेबल गन का। अपग्रेडेबल गन में आपको याद होगा कि हम लोग को जो मटेरियल है वो थोड़ा स्ट्रगल होता है, बट अभी तो मटेरियल भी मिलना काफ़ी इजी हो गया, बट जो पेंट है ना वो इतना ज़्यादा अलग अलग जगह से हम लोग को मिलता है ना कि हम लोग उसको नेगलेक्ट करते हैं कि भाई चलो पेंट का दिक्कत नहीं वो इजीली हो जाएगा, बट वही एग्जैक्टली चीज़ जब आप एक्सूट में आते हो ना वो ये होता है कि चलो हम लोग को लेजेंडरी वाला जो मटेरियल है वो तो मिल जा रहा है, बट एपिक वाला जो चीज़ है ना वो हम लोग को एक्सूट मटेरियल नहीं मिल रहा, क्योंकि उसमें अलग अलग इवेंट नहीं है। पबजी में हम लोग का रिडीम शॉप में हम लोग येल्लो वाला मटेरियल रिडीम करने का मौका मिलता है एजी करेंसी से, बट बीजा में कहना ऐसा कोई चीज़ नहीं जहाँ आप फ्री में इसको रिडीम कर पाओ या एजी करेंसी में रिडीम कर पाओ, तो इसलिए इसका जो स्ट्रगल है ना और बढ़ जाता है, ठीक है। तभी कंटिन्यूसली स्पिन करते रहेंगे, क्योंकि अभी तो हम लोग पास रिसोर्सेज काफ़ी कम है, लेवल 4 उसको करना ही है, वो कसम खा लिया कि आज बैंक बैलेंस खाली कर दूंगा, बट लेवल 4 करना है। तो इधर आप देख पर वापस हम लोग 10 स्पिन करने वाले, वापस हम लोग का जो बॉक्स है वो साइन किया, इधर आप देख पर इस बार देखते क्या मिलता है। इस बार हम लोग को मिल चुका है ग्लैडरिया बैकपैक, जो कि आप देख पा रहे हो, उसको हम लोग क्लोज करते हैं, वापस से बैकपैक मिल चुका है, और इधर आप देख पा रहे हो 2-2 इमोट मिला। ये 10x वाला जो बोनस है ना काफ़ी वैल्यूबल होता है, क्योंकि यही आपको हेल्प करता है भाई मटेरियल निकालने के लिए, क्योंकि भाई अगर आप नॉर्मली ऐसे ही स्पिन करने जाओगे तो भाई बहुत ज़्यादा यूज़ लगेगा, तब जाके आप लेवल अप कर पाओगे, ठीक है। इस स्टेज में आप देखो स्टार फॉर्ज मटेरियल जो है हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, बट हम लोग का जो बोल सकते हैं एपिक कैटेगरी का जो स्टोन है ना वो अभी तक नहीं मिला, और इसको करने के लिए हम लोग को दिखाई दे रहा है गेम बोल रहा है कि आपको 1862 कॉइन चाहिए
तब जाके आप उतना अमाउंट में निकाल सकोगे और तब जाके आप लेवल 4 कर पाओगे। तो भाई गेम वाला पूरा कैलकुलेशन बता दे रहा, आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप बस अपना पैसा लुटाओ, वैसे ही कुछ इसमें सिचुएशन हो गया है। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग 3000 यूसी है, बट ये इनफ नहीं होगा, और भी चाहिए होगा तभी जाके आप लेवल 4 कर पाओगे। वापस हम लोग 10 ओपन करेंगे, देखते क्या मिलता है। इस बार भी हम लोग का जो बॉक्स है वो साइन कर रहा, और इस बार उम्मीद कर रहे कुछ अच्छा चीज़ मिले। ठीक है, तो बॉक्स अगर साइन करता तब समझ लेना कुछ मिथिक वाला चीज़ें मिलने वाला है। और इधर आप देख पा रहे हम लोग को मटेरियल, और उसके साथ साथ आप देख पा रहे हो वैल्यूएबल आइटम डिसमेंटल बोनस हम लोग को मिला है। तो अगर आपका कोई मिथिक वैल्यूएबल आउटफिट डिसमेंटल होता है तो आपको बोनस जो मिलेगा वो 500 कॉइन का मिलेगा, जो कि आप देख पा रहे हो, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करता है आपको मटेरियल निकालने के लिए। इधर आप देखो यूसी अब लग खत्म हो चुका है, 10,000 के ऊपर यूसी था वो खत्म हो चुका है, और अभी तक हम लोग का लेवल 4 नहीं हुआ। ठीक है, और 6000 का पैक लोड किया, और इधर आप देखो फिर से हम लोग 10 ओपन करने वाले, इस बार तो करके ही छोड़ना, देखते कितना लगता है। इधर आप देखो ऑलरेडी हम लोग को एक्सिप कब का मिल चुका था, बट अभी तक आप देख पा रहे हो लेवल 4 करने में कितना ज़्यादा स्ट्रगल आपको देखने को मिला। ठीक है, इधर आप देखो पहला 10 ओपन में तो खास कुछ मिला नहीं, इंटू 10 का भी बोनस नहीं मिला। कॉइन काफ़ी क्रूशल रोल निभाता है एक्सूट अपग्रेड में, तो इसलिए कॉइन जितना ज़्यादा मिलेगा उतना ज़्यादा बेनिफिट है, और नहीं तो भाई आपको स्ट्रगल देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इधर आप देख पा रहे हो हम लोग फिर 10 ओपन करते, देखते क्या मिलता है। तो इस बार काफ़ी ज़्यादा साइन किया, तो उम्मीद करते कुछ अच्छा मिल जाए। तो इधर आप देखो वापस हमें मिथिक इमोट मिला, और फर्स्ट टाइम मिला, और जो जो चीज़ रिपीटेड मिला था वो डिसमेंटल होकर कॉइन बन चुका है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और 10 ओपन करेंगे, क्योंकि अभी ओपन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी काफ़ी सारा कॉइन चाहिए तभी जाके हम लोग उसको अपग्रेड कर पाएंगे। ठीक है, तो इधर आप देख पा रहे इस बार मेरे को नॉर्मल चीज़ें मिलने वाला, कुछ खास नहीं मिला। आगे बढ़ेंगे, अनदर 10 आप देख पा रहे, ये 10 में आप देख पा इस बार साइन किया, तो देखते इस बार क्या मिलता है। इस बार भी कुछ अच्छा तो मिलना चाहिए। इधर आप देख पा रहे हम लोग को मिल चुका है एक ग्लाइडर, और हम लोग का ये जो मिथिक आउटफिट है फर्स्ट टाइम मिला, और ये हम लोग को मिल चुका है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें था जो कि रिपीटेड होता है तो हम लोग पॉइंट मिल जाता है। लेट्स गो अनदर 10, तो देखते इस बार हम लोग क्या मिलने वाला है। इस बार भी हम लोग साइन कर रहा, तो देखते इस बार क्या होता है। तो अभी तक आप देख पा रहे स्पिन तो काफ़ी अच्छा है, स्पिन के नज़र में तो ये स्पिन काफ़ी नेक्स्ट लेवल था। और इधर आप देखो वापस हम लोग ग्लाइडर मिला, और हम लोग को वैल्यूबल आइटम का जो इंटू 10 बोनस मिला था, इसलिए हम लोग को 400 कॉइन हो चुका है ग्लाइडर का। ठीक है, तो जो जो वैल्यूबल मिथिक आइटम का हम लोग का डिसमेंटल होता है बोनस मिलता है, तो वो हम लोग को ज़्यादा कॉइन देता है, 500-400 कॉइन मिल सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वापस से आप देख पा रहे हम लोग को MG3 मिल चुका है। देखो MG3 उसको पहले भी मिल चुका था जब वो खुद स्पिन किया था, बट मैं जब स्पिन किया मुझे एक बार मिला, और इसके चलते हम लोग को 3 मटेरियल मिल चुका है। भाई लिटरली आप बोल सकते हो कि अपग्रेडेबल गन अपग्रेड करना काफ़ी वैल्यूएबल है, क्योंकि आप देख पा रहे हो एक्सूट जब हम लोग को दोबारा मिलता है तो हम लोग केवल कॉइन मिलता है, बट उसी जगह अगर गन हम लोग को दोबारा मिलता है ना, तो हम लोग को मटेरियल मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल करता है इजीली अपग्रेड करने के लिए। और पेंट तो भाई बहुत इजीली मिल जाता है, जो कि चीज़ एक्सूट वाला केस में बहुत ही रेयर है। वापस से साइन किया, तो उम्मीद करते कुछ अच्छा चीज़ मिल जाए। इधर आप देखो स्पिन करते हैं, और वापस से MG3 मिल गया, और भाई देखो बैक टू बैक MG3 मिल गया दो बार, तो हम लोग को 6 मटेरियल इधर से हो चुका था। MG3 अगर मिलते रहा ना, सबसे वैल्यूएबल चीज़ एक्सूट से भी ज़्यादा हुआ है MG3, क्योंकि उसमें हम लोग को 3-3 मटेरियल मिल रहा है लेजेंडरी कैटेगरी का गन है ना। फाइनली हम लोग का लेवल 4 के लिए मटेरियल हो चुका है, और लिटरली 4 स्टार करने के लिए कितना यूसी लगा आप खुद देख पा रहे हो, केवल 1800 यूसी बचा है। वो तो खुद थोड़ा सा स्पिन कर ही लिया था, कम से कम 600-700 का यूसी का पहले वो खुद ही स्पिन कर दिया था MG3 का। उसके बाद मैं 10,000 के ऊपर स्पिन किया जैसे कि आपने देखा, और उसके बाद आप देख पा इसमें तो 6000 का कुछ लोड किया था, और उसके बाद आप देखो केवल 1840 यूसी बचा है। तो भाई काफ़ी महंगा है, और अभी केवल 216 कॉइन बचा हुआ था, वो 216 कॉइन से वो बाद में ये वाला बोल सकते हैं हेडगेयर निकाल लेगा आउटफिट का। चले एक्सूट इक्विप करते हैं, उसके साथ आपको पता है कि जितना भी इस बार बोल सकते हो अल्टीमेट सेट आया है, या कुछ कुछ पुराना वाला अल्टीमेट सेट में पोज डाल दिया गया, जिसमें आपके पास अगर पूरा सेट है लाइक आउटफिट भी है, साथ साथ जो वेपन स्किन है वो भी मिल जाता, तो आपका जो कैरेक्टर है ना वो स्पेशल पोज करता है। ठीक है, तो MG3 तो लेवल 2 हो चुका, बट हम लोग जो M4 है सिनोबी कामी M4, इसको हम लोग लूट क्रेट तक अपग्रेड कर लेते हैं, और ये मिथिक गन हो जाएगा जैसे हम लोग इसको लेवल 7 करेंगे। लूट क्रेट आई गेस मोर देन इनफ है। तो इधर आप देख पा रहे जो आपका प्रोफाइल है ना, उसमें ये पोज आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपने गन प्लस आउटफिट दोनों निकाल लिया है। वैसे आपका अल्टीमेट सेट में भी अगर आप गन प्लस आउटफिट दोनों निकाल लेते हो, तो आपका जो कैरेक्टर है ना वो एक पोज के साथ आपको देखने को मिलेगा, जो कि नया चीज़ इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, आई होप आपको पूरा कंक्लूजन पता चल गया कि क्यों अपग्रेडेबल गन बेटर है एज कम्पेयर टू एक्सूट,
क्यों पिजामा वाला एक सूट इतना इजीली दे दे रहा है, 10 UC में भी काफी लोगों को मिल जा रहा है, सब आइटम 10 UC मिल जाएगी। गेम चाहता है आप स्पिन करो, एक सूट को इजीली निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। उनको मेन जो चीज अर्निंग करना हुआ है लेवल अप में जो आपको लगेगा, मान लो आपने लेवल 2 किया तो आप लेवल 3 के लिए सोचोगे, उसके लिए आप यूसी जोड़ोगे, तो ऐसे करते करते जब आप आगे बढ़ोगे ना, आप सोचोगे कि एक लेवल और कर देते हैं कम से कम, तो ऐसे करके आपका यूसी जो है वो काफी ज्यादा जाएगा। चलो इतना रखते हैं वीडियो को, थैंक यू सो मच गाइस, आई हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।